अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास, ये बलाच हैं और अरमिश और तसीब पीछे मोबाइल यूज़ कर रही हैं। तसीब अभी एक्टिंग कर रही, पहले मोबाइल यूज़ कर रही थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग वीडियो है इसकी। तसीब हद है, शुक्र है वीडियो पड़ी है मेरे पास पहले वाली, वो दिखाऊंगी मैं यहाँ पे यहाँ लगा के। ओके, तो ये तसीब और अरमिश हैं जी, कार्टून देख रही है मोबाइल पे, और ये हैं जी मेरे मियाँ साहब। हम लोग आए तो थे वैसे ईद की शॉपिंग करने बच्चों की, पर ये जो है यहाँ पे इनके ऑयल का पता नहीं क्या ख़त्म हो गया था। मतलब ऑयल डलता है ना गाड़ी के अंदर जिप का, तो वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई लिमिट होती है। तो वकास कहते हैं 100 मीटर गाड़ी ऊपर चल गई है, तो कल मैंने लाजमी चेंज करवाना है। तो वो बोल रहे हैं पहले ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। फिर वो बंद हो जाती है इसकी जो शॉप है ना, वो आई थिंक 9 बजे क्लोज हो जाता है, अभी 8 बजे। तो वकास अभी करवाते हैं, बाकी इतनी गर्मी है गाड़ी में, इतनी गर्मी है कि जिसके इंतहा नहीं है। वकास कह रहे हैं कि मैं इसके अंदर जो है ना वो AC इंस्टॉल करवा लेता हूँ, पसीने। वकास वापस आ गए हैं और ये वकास को टिश्यू बॉक्स मिला है गिफ्ट में, और ये जूस का डब्बा खाली मैंने इसलिए रखा हुआ कि कोई डस्टबिन आए तो वहाँ फेंकूँ। अब वकास गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, अब यहाँ से हम निकलेंगे और निकल गए हैं। अब हम लोग जाएंगे अजलन मॉल जाएंगे, आए बहुत गर्मी है, तस्वीर के कपड़े भी रह गए। पता नहीं कभी इस्लामाबाद में इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हो रही है। अल्लाह ताला प्लीज़ बारिश कर दे। मैंने सुना सिंध में बारिश हो रही है। हाँ, सिंध में तो बहुत बारिश हो रही है। कल भी वीडियो कॉल बात हुई थी मेरी अम्मी से, तो इतना प्यारा मौसम था, प्रॉपर बारिश हो रही थी। तो मैं शॉपिंग हो गई है हमारी, अब हम जा रहे हैं वापस अजलन मॉल से, और इतनी रश और इतनी गर्मी है तो आपको क्या बताऊँ। हाँ भाई, टीवी में दिखा देते हैं, सीधा नीचे पे ग्राउंड फ्लोर सब वन लगा दें बस, ठीक है। वन से फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा फिर नीचे। ओके भाई, तो घर के सारे डीप सफाई हो गई, अब सिर्फ पंखे रह गए हैं साफ करने वाले। अभी जो है ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी, आटा वगैरह, और तस्वीर और अरमिश को मैंने ट्यूशन ड्रॉप किया है, और अब आज और बलाज दोनों मेरे साथ हैं। अभी इनको लेके हम जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अलो किया उन्होंने रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड कर लूँगी, अदरवाइज घर आके दिखा दूँगी क्या लेके आई। बच्चा कहते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग तो माँ बाद में करना ना, पहले हमें गाड़ियाँ ले दो। दोनों बच्चियाँ ट्यूशन हैं और इनको हम साथ लेकर आएंगे। कितने लोग हैं भाई, बस करो, चले आप, चले बलाज, चलो आ जाओ। अब हाँ शरीफ बच्चा है, ये नहीं तंग करता। अभी तो वकास कह रहे हैं तुमने बलाज को तुर्की भी लेके जाना है। हमने कौन सी ट्रॉली ली थी, इस तरह की ट्रॉली है जो हमने ली थी, इस तरह ये पसंद आ रही है काफ़ी ज़्यादा। वकास को मैं कह रही हूँ, हाँ फोल्ड हो जाती है, मैं वकास को कह रही हूँ ले लेते हैं। कोयले भी लेने हैं, कोयले बाहर से ले लेंगे। कोयले दो तरह के, वापस ये धोए वाले और बगैर धोए वाले। ये चिंकी है तो इसके साथ है ना, ये टाउन के साथ है, ये बगैर धोए वाले इंपोर्टेड है, ये ऑनियन इसके साथ है। अच्छा अच्छा, ये 180 के हैं और ये 300 के 2 किलो, ये 180 के 2 किलो, ये होती ही नहीं है। और खुदा ना खासा अगर मसाला भी लग जाता है, गीला कपड़ा लगाएं, ठीक है, ये साफ हो जाएगी, पैंक तो नहीं खराब होगा, कुछ भी नहीं होता, हम हर साल बेचते हैं। ठीक है, मैंने तो इस साल ही देखी है। ये मुझे इसके साथ चाहिए, हैंडल के साथ चाहिए, हैंडल के साथ की नहीं है ये, डब्बा निकालो फिर। ये मैंने मंगवाई है फिर वही सही है ना, ये वाली बेशक ले लें, और जो मैंने मंगवाई है वो वाली कितनी करनी है, 4 एक पैकेट ही बहुत है बस जितनी रखी हुई हैं। 2, ठीक है, और भी चाहे तो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, ये और हैं घर पे, मुझे नहीं चाहिए। मैं इतने काम चोर नहीं हूँ। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक रोटी मेकर है, ये रोटी मेकर ये इन्होंने लगाया हुआ है 2450 का। इसमें पेड़ा रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, फिर ज़ोर से दबाते हैं, फिर इतना जो ज़ोर इस पर लगाना है वो थोड़ा सा बंदा बेल नहीं लगा लें। हाँ जी, या तो ना मशीन है, इसमें रखो बन के खुद निकल आएगी। फीडर ले लिया है ना, फीडर ले लिया। हेलो बेबी, ये जी हमने ले लिया है फीडर, दे चलो। हमने
लिखा हुआ है व्हाई नॉट मेरी जान कि नहीं बोलना चाहिए था ये देखिए अंदर हलीम ने लिया था ये नहीं अच्छा लगा चिकन टिक्का लिया हां वो रखा चिकन टिक्का वो सीख कबाब वाला मसाला वो नहीं है नेशनल वाला वो वाला कि वो दोनों सही हैं बल्कि शान के मसाले तेज हैं आटा करना है भाई इसका ये हमने पैक करवा लिए बॉक्स के अंदर और ये कोयले भी वगैरह से लिए हैं कोई किसी से धुआं नहीं निकलता डस्टबिन झाड़ू बाकी सामान वो है बिलिंग हो रही है तो मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि अब हादसा हो गया था और ये ना गोद में जो है ना वो झटके ले रहा था नींद से मतलब गिर रहा था बार बार किसको टेक चाहिए किसी चीज़ की तो बस बिलिंग हो रही थी तो वकास कह रहे हैं तुम जाओ मैं सामान लेके आ जाता हूँ तो मैं इसलिए जा रही हूँ गाड़ी की तरफ अपनी चाबी ले आई हूँ मैं कि मैं जाके गाड़ी में बैठती हूँ आप सामान ले आई देखें पूरा लटक रहा है क्योंकि बिस्तर पर सोने की आदत है और फीटर भी गाड़ी में पड़ा हुआ है फिर लोगों की जो है ना वो कुर्बानी वाली गायें हैं जो लोग हिस्सा डालते हैं ना उनकी सबके गलों में नंबर लगा हुआ है 31 34 32 ऐसे एंड तक माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करें आमीन सुम्मा आमीन वो ना जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर रिसिप्ट चेक करते हैं ना वो तो वो वकास की पर्चियाँ चेक कर रहे हैं अभी गाड़ी में इतना सामान पड़ा हुआ है जो तरनोल रखना है हमने अभी ग्रॉसरी भी रखनी है इसके अंदर वकास आ गए हैं और पंजाब किचन के लिए जो वर्कर्स होते हैं ना वो ट्रॉली बाहर ले आते हैं खींच कर सामान भी रखवा देते हैं गाड़ी में बहुत अच्छे हैं इस मामले में तो अभी वो हमारी गाड़ी देखें पूरी पीछे से सामान से भरी हुई है ठीक है इसमें ना सामान वो भी पड़ा हुआ है जो तरनोल रखना है एक्स्ट्रा सामान जो घर में पड़ा हुआ था और यूज़ नहीं हो रहा था हम घर आ गए हैं वकास गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं सारा मैंने कहा आप निकाल के रखते जाएं मैं दिखाती जाती हूँ तो ये भाज का फीडर लाए हैं वकास सारी चीज़ें मैंने समेट दी हैं साथ साथ ही सिर्फ अब ये रह गया इसमें टिशू बॉक्स में टिशू डालने हैं ये लगाना है ब्रश और भाज जाना करा फीडर दो मुझे मैं फेंक के मारूँ क्या मसला है भाज आपको हैं ये देखा कितना फीडर मैंने ये जो छन छन बज रहा है फेंकना है मैंने बच्चों के नेल जितने बड़े हुए हैं पर कुर्बानी से पहले कहा ओह ये क्या हरकत है दो मुझे आज तो मैंने किचन के जो है ना वो भी साफ़ किए हैं ये जो वो होते हैं ना ये वो जो होते हैं ये जो अलमारियाँ होती हैं और ये अंदर वाले इसके रेक्स वगैरह सब निकाल के एक चीज़ साफ़ करके दोबारा लगाई है ओके भाई जी खाना लगा दिया है मैंने अभी सारे जो हैं वो खाना खाने लगे हैं अब हाज खाना नहीं खा रहा अब हाज बंटी खाने में लगा हुआ अब हाज खाना खा लो चलो जी खाना ठंडा हो रहा है मैं भी जाके खाना खाती हूँ ओके भाई तो यहाँ पे फिर हम सब ने मिलकर बैठ के खाना खाया और उसके बाद सज्जी के साथ चिप्स जो है वो बहुत ही मज़ा करती है आप लोग घर पे भी ट्राई करना सज्जी की रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे मौजूद है आप लोग देख लेना जाके आज मेरी हुलिया जो है ना वो इसलिए ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत काम किया आज घर में हमें थक गई हैं अभी हम लोग अम्मी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो सामान रख रहा है हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऊपर वाले पोर्शन में जो खाली पड़ा हुआ है वहाँ पर रख देते हैं एक्स्ट्रा सामान तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मज़ा आया होगा बाकी बारबेक्यू जो अंगीठी जब उस पर हम बारबेक्यू करेंगे तो फिर आप लोग देख लेना ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना अल्लाह हाफिज़ Oh,